दोस्तों आपने जरूर नोटिस किया है जो प्रोफेशनल थंबनेल होती है उस पर्सन की फोटो में जो बैकग्राउंड में थोड़ी शैडो के जैसा बना होता है वो कैसे बनती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपका भाई ऐसे वीडियो हर रोज लाता रहेगा। दोस्तों आपको तो पता है थंबनेल और ये सब बनाने के लिए पिक्सेल लैब ऐप यूज किया जाती है, तो यहाँ पर भी मैं पिक्सेल लैब ऐप्स की यूज करने वाला हूँ। तो ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है, तो चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपको तो पहले ही बताया कि इसके लिए मैं पिक्सेल लैब ऐप यूज करने वाला हूँ, तो सिंपल से पिक्सेल लैब ऐप्स को ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये सब जब मैं कह रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आपका हेल्प और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल से इसे हटा देना है जो टेक्स्ट पहले से था, और आपको तो पता है कैसे थंबनेल लेती है, मतलब कि साइड में जो थ्री डॉट है उसको क्लिक करके यहाँ पर आपको थंबनेल पर क्लिक कर देनी है। और आपने जैसे थंबनेल बनाते हो ऐसा ही चीज़ है, मैं यहाँ पर थंबनेल बनवाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो पर्सन की या किसी भी फोटो की शैडो कैसे इनेबल करती है वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ थंबनेल के लिए, कोई भी फ़ोटो मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ। तो थोड़ी बहुत बहुत सारे यूट्यूब की वीडियो, बहुत सारे फ़ोटो, ये सब ओ करते करते बहुत सारे चीज़ हो गया है, मतलब कि बहुत सारे फ़ोटो गैलरी पर बहुत सारे स्टोरेज हो गया है। तो इसके लिए आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं बैकग्राउंड पर। तो बैकग्राउंड के लिए अगर आप किसी भी फ़ोटो यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ पर जाके आप बहुत सारे बैकग्राउंड में फ़ोटो यूज़ कर सकते हो जो मैं दे रखा हूँ। तो इसको सिंपल से लॉक कर देना है। और दोस्तों आपको बैकग्राउंड में कोई भी ना कोई फ़ोटो रखना ही चाहिए, और ये बहुत ही हाईलाइट है इसीलिए इसको हाईलाइट को मैं घटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक स्पेस ले लेनी है और स्पेस लेके इसे कमा देनी है, घटा बढ़ा ये सब कर सकते हो अपने हिसाब से आप कर देना। तो यहाँ पर जो फ़ोटो मैं लेना चाहता हूँ उसे ले लेता हूँ। अब सिंपल से यहाँ पर फ़ोटो गुम गया है तो खोजने से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ़ोटो मैं अभी यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी शैडो नहीं है। तो अभी मैं इस फ़ोटो की शैडो इनेबल करने वाला हूँ, हालांकि ये एक पर्सन की मतलब कि मेरी फ़ोटो है, मगर आप अगर किसी भी अदर चीज़ की शैडो इनेबल करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में जो यह चीज़ है इस यहाँ पर जाके स्टॉक को इनेबल कर देना। स्टॉक को इनेबल करने से क्या होता, एक शैडो तो नहीं बनती है मगर एक आउटलाइन बन जाती है उस फोटो की। तो आउटलाइन अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर मेरी मानो तो स्टॉक जो है उसे एक से लेके फाइव तक ही रखना, अगर फाइव से ज़्यादा कर दोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। अब शैडो की बात आती है तो सिंपल से आपको शैडो पर क्लिक कर देनी है। शैडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप वाइट शैडो लेना चाहते हो तो वाइट शैडो या ब्लैक, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कोड चूज़ कर सकते हो, मगर मेरी मानो तो शैडो इससे अच्छा लगेगा, क्योंकि शैडो अगर आपकी फ़ोटो थोड़ी बहुत ब्लैक है तो आप शैडो वाइट रख सकते हो, अगर आपकी फ़ोटो शैडो है मतलब कि आपकी फ़ोटो अगर वाइट है तो आप ब्लैक रख सकते हो, मगर मेरी फ़ोटो यहाँ पर ब्लैक आई है इसीलिए मैं यहाँ पर शैडो को वाइट रख रहा हूँ। तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना। तो यहाँ पर आपको और चीज़ का ध्यान में रखना है, आप जब भी फोटो सेव करोगे तब आपको अल्ट्रा में सेव करनी है। आप गैलरी में जाके दिखा देता हूँ कि अल्ट्रा में सेव करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलती है। जब ये आप अल्ट्रा में सेव करोगे तब यहाँ पर जो क्वालिटी है वो आपको धांसू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चीज़ है, ये अगर आप अल्ट्रा में नहीं करोगे तो इतना ज़्यादा हैवी देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों बात करें तो ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो मैंने फ़ोन से क्लिक किया है, मगर ये जब अल्ट्रा में सेव कर देता हूँ ना तब ये फ़ोटो लगता है कि DSLR में क्रिएट किया है। तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है मगर चल जाती है काम, मेरा इस हैंडराइटिंग से मेरा लाइफ का काम तो चला जाएगा। तो चलिए कंप्लीट हो गई है, अगर स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक हुई है तो माफ़ कर देना, आपका ही भाई हूँ। तो चलिए तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे वीडियो बहुत सारे गिवअवे स्टार्ट होने वाली है।
तो दोस्तों आज की वीडियो पर आप लोगों ने देखा जो थंबनेल में जो फोटो होती है उस फोटो की शैडो और स्टॉक कैसे इनेबल करती है। ज्यादातर लोग शैडो इनेबल करती है क्योंकि शैडो इनेबल करने के बाद जो थंबनेल होती है वो प्रोफेशनल लुक में आ जाती है। आपको भी अपने फोटो में इस शैडो को इनेबल करके रखना है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है, बहुत ही आई कैची थंबनेल बनने वाली है आपका। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने फोटो पर भी ये शैडो इनेबल कर सकते हो, आप कोई भी फोटो पर शैडो इनेबल कर सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई ऐसे वीडियो हर रोज लाता रहता है और आपको कुछ ना कुछ समझा रहता है। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए बाय, घर पर रहना, सेफ रहना और मुझे थोड़ी सपोर्ट करना।